कोई तो आएगा। ओ माय गॉड, मेरा ब्रदर। ओ वाओ, माय ब्रदर इज बैक, माय ब्रदर इज बैक। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं हूं सभी का दोस्त एशियन का होस्ट विश्वास शर्मा, और आप देख रहे हैं द 38 डूड। तो दोस्तों, आज है संडे, इसका मतलब है कि द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3AM जो कि मेरे चैनल पे स्टोरी चल रही है, उसका है नेक्स्ट एपिसोड। तो जैसे कि आपने सिक्स एपिसोड में देखा कि विश्वास शर्मा और शामी मम्मी ब्रॉक लेजर और मिस्टर 3AM आपस में लड़ रहे थे। विश्वास शर्मा की टीम और ब्रॉक लेजर की टीम लड़ रही थी एक दूसरे से, और टीम के बीच में इसी जगह पर, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दोस्तों, इसी जगह पर विश्वास शर्मा से अलग हो गया मिस्टर 3AM। मिस्टर 3AM विश्वास शर्मा पहले एक साथ एक टीम में लड़ रहे थे ब्रॉक लेजर और शामी मम्मी से, लेकिन जो मिस्टर 3AM है उसने कह दिया कि विश्वास का गलती से पंच लग गया मिस्टर 3AM को बीच मैच में, और जैसे कि आप देख रहे हैं पंच लग गया गलती से, और ये मिस्टर 3AM कह रहा है कि आपको मैं स्विच हो रहा हूँ, अगर तुम नहीं चाहते हो मुझे कि मैं अपनी टीम में तुम्हारी टीम में रहूँ तो मैं स्विच हो रहा हूँ। और इस तरीके से मिस्टर 3AM चला गया ब्रॉक लेजर और शामी मम्मी की टीम में। तो दोस्तों, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस एपिसोड में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने सिक्स एपिसोड नहीं देखा तो आई बटन पर टैप करके आप सिक्स एपिसोड को भी देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं, नए व्यू हैं, और आपको पता नहीं क्या हो रहा है, तो मैं अपने चैनल पर एक स्टोरी चला रहा हूँ जिसका नाम है द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3AM। तो ये रेसलिंग रेवोल्यूशन 3D की स्टोरी है, पूरे एपिसोड हिंदी में। आप आई बटन पर टैप करके इसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, तो दोस्तों एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। मुझको लग रहा है कि आज मतलब आप सिक्स एपिसोड में जैसे देख सकते हैं कि विश्व ब्रॉक लेजर की जो टीम है उसने बहुत ही ज़्यादा बुरा मजा चखा दिया था विश्वास शर्मा को। विश्वास शर्मा का पूरा विलेन पना सब बाहर आ गया था। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या होता है। ओ तो आज ये विश्वास शर्मा वर्सेस ब्रेलेन का मैच है। ब्रेलेन, अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो ब्रेलेन एक रेसलर है, एक ऑर्डिनरी रेसलर है। तो एक मैच है ये, तो देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, मैच में क्या होता है और ये स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रही तो या तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या फिर आप सिक्स एपिसोड भी देख सकते हैं। एंड कार्ड जो वीडियो का एंड कार्ड आएंगे उसमें मेरी प्लेलिस्ट और जो वीडियो है वो दोनों आ जाएंगे, सिक्स एपिसोड और प्लेलिस्ट दोनों आ जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप नए वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आज। एक नॉर्मल मैच है, ज़्यादा लोग भी नहीं आए हुए हैं अभी तो आज, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल मैच है, आगे कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा ही 100%। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रेलेन माइक लेकर आ रहा है, और ये जो द राइजिंग ऑफ मिस्टर 3AM जो स्टोरी है बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, बहुत खतरनाक स्टोरी है ये। आप प्लेलिस्ट एक्सेस करके पूरा देख सकते हैं। ये डोमिनेटर है, पीजो मेरा मैनेजर है ये। कुछ कहना चाहता है लगता है विश्वास। लिसन एवरीबॉडी, देयर समथिंग आई नीड टू गेट ऑफ माय चेस्ट बिफोर इट गेट्स हर्ट। ओ तो विश्वास शर्मा जो हील बना हुआ था वो फेस बन रहा है वापस। हील का मतलब होता है बुरा इंसान, बुरा रेसलर, और फेस का मतलब होता है अच्छा रेसलर, अच्छा इंसान। जैसे कि आप देखते हैं केविन ओवेंस एक हील है और जॉन सीना एक फेस है, तो इसको हील और फेस बोलते हैं। तो ये फेस बन रहा है विश्वास दोबारा से, और ये कह रहा है, शायद मैं पढ़ नहीं पाया, ये कह रहा है ब्रेलेन कि तुम फेस बनो या हील बनो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये क्या कर दिया। दोस्तों ये मैच स्टार्ट हो गया है, देखते हैं विश्वास शर्मा कैसा खेलता है। विश्वास काफ़ी अच्छा खेल रहा है अभी तो, फेस बन गया है वैसे तो, ये फेस बन गया तो सब फैंस का सपोर्ट भी है अभी इसके साथ। ओह वाह, अच्छा खेल रहा है ब्रेलेन भी। सिक्स एपिसोड में दोस्तों जो हुआ उसको, उसका जो उम्मीद मुझको भी नहीं थी उसकी उम्मीद, कि मिस्टर 3AM मतलब विश्वास शर्मा मिस्टर 3AM के साथ टीम बनाने की सोचा था। हील था वो विश्वास शर्मा मिस्टर 3AM के साथ, लेकिन मिस्टर 3AM ने गलती से धोखा पड़ा, गलती से लग गई उसको, लेकिन मिस्टर 3AM ने तुरंत अपनी टीम बदल ली। तो ये अच्छी बिल्कुल बात नहीं लगी मुझको। मिस्टर 3AM चला गया ब्रॉक लेजर की टीम में, और ब्रॉक लेजर और क्राउड चिल्ला रहा है बोरिंग, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, मैच ऐसा नहीं जा सकता खाली। विश्वास को चक्कर आ रहे हैं, कल रात की जो फाइट थी लगता है उससे बुरा नहीं, पिछली रात की जो फाइट थी
बहुत ज़्यादा झटके लगे विश्वास को। विश्वास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेस्लर है, लेकिन अभी उसका कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। भाव काफ़ी इंजर्ड हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लड़ी नहीं पा रहा थी जो फायर स्वाइप करते हुए, लेकिन भागा ही नहीं। ब्रिलियंट पीछे से मुक्का मारा। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ब्रिलियंट को स्टोरी में लाना है या नहीं लाना। आप मुझको सजेशन दे सकते हैं कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ाना है। इधर की देख सकते हैं आप, ब्रिलियंट काफ़ी अच्छा लड़ रहा है। ये ब्रोस फेल होती हुई यहाँ पर विश्वास की, ये उल्टा किया, काउंटर किया शानदार। ये पकड़ा मैंने, ये पकड़ा कम स्टॉप। इस सनसेट पर ड्राइव करने की कोशिश ब्रिलियंट ने पकड़ा। वाह व्हाट अ क्लोज लाइन, काफ़ी अच्छा खेल रहा है ब्रिलियंट जो इस टीम में है। ये नया है ब्रिलियंट, और देखते हैं क्या हो रहा है। खतरनाक अभी तो मैच अच्छा चल रहा है, डिसेंट है मैच, काफ़ी एवरेज आ रही है रेटिंग। ओह माय गॉड, ब्रॉक लेसनर एंड शामी मम्मी। ओह मिस्टर 3M भी आ गया। ओह माय गॉड, ओह ये तो मारेंगे अब, ये तो विश्वास को मार डालेंगे। ये अच्छा नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो देख सकते हैं दर्शकों आप कैसे मार रहे हैं ये लोग, कितनी खतरनाक तरीके से मार रहे हैं ये लोग विश्वास को। क्या करें अब विश्वास, ये लोग, ये देखिए दोस्तों शामी मम्मी ने मारा विश्वास को। क्या हो क्या रहा है, विश्वास ने माफ़ी मांग ली है। वो आप जैसे देख सकते हैं 6th एपिसोड में मैच के बाद वो ये नई रेसलिंग करने जा रहा था, लेकिन ब्रिलियंट को यहाँ से भगा दिया गया है और ये तीनों अब विश्वास को मारने लगे हुए हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझको ये, क्या कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए विश्वास बेचारा बिल्कुल अकेला, और ये तीनों मारे जा रहे हैं विश्वास। विश्वास तो शायद पीठ में लग गई है। अरे यार ये तीनों तो हिलो हिल जैसा काम कर रहे हैं ये तीनों। ये मिस्टर 3M ज़्यादा मार रहा है, जबकि इसको साथ दिया विश्वास ने। मिस्टर 3M धोखेबाज, बताऊंगा तुझको, मेरे भी दिन आएंगे, रुक जा जरा। आले बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्या कर रहे हैं ये लोग। ये मिस्टर 3M शामी कहाँ जा रहा है, क्या करे विश्वास दोस्तों बताइए। ये देखिए दोस्तों बहुत मार रहे हैं लोग, बहुत विश्वास को। विश्वास दोस्तों फेस बन गया, जैसे कि मैं आपको बता दूं उसने अभी अर्ली इस मैच में कहा था, अर्ली के मैच में कहा था, शुरुआती मैच में कहा था अभी उसने कि मैं फेस बन गया हूं। मैच स्टार्ट होने से पहले वो ब्रिलियंट से जब लड़ रहा था उसने कहा था मैं फेस बन गया हूं, मैं विलेन नहीं हूं अब मुझको भी हीरो बनना है, मुझको भी अच्छे काम करना है। लेकिन लगता है ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, ब्रॉक लेसनर चढ़ाया F5। दोस्तों ब्रॉक लेसनर ने F5 कर दिया विश्वास के ऊपर। लगता है विश्व जो ब्रॉक लेसनर है, मिस्टर 3M है और शामी अभी, इन तीनों ने भी माफ नहीं किया है। ये समझते क्या है अपने आप को ये तीनों, मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा है दोस्तों। समझते क्या है ये लोग अपने आप को, मेरे पास साथ कोई नहीं है इसका मतलब ये कोई तो आएगा। ओ माय गॉड मेरा ब्रदर, ओ वाओ माय ब्रदर इज बैक। मेरा भाई वापस आ गया दोस्तों, बिट्टू इज बैक। अब लड़ेंगे दोनों, अब आएगा मजा असली, अब आएगा असली मजा बेटा, अब आएगा मजा। ये देखिए दोस्तों ये मिस्टर 3M को पकड़ा बिट्टू ने और ये मारना स्टार्ट किया दोस्तों, और रेफरी ने गेट आउट कर दिया। तो दोस्तों अब है विश्वास शर्मा और साथ में उसका बड़ा भाई बिट्टू। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अब विश्वास शर्मा का जो भाई है बिट्टू वो वापस आ गया है
और वो अब फेडरेशन ऑनलाइन में ही रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच मैच में वो वापस आ गया था जब ये जो इडियट्स थे ब्रॉक लेसनर और मिस्टर 3AM और शाओमी मम्मी रेफरी बना हुआ, ये तीनों बीच मैच में आकर और विश्वास को मार रहे थे, जबकि विश्वास हीरो है, विश्वास अब फेस बन चुका है, विश्वास अब विलन नहीं है, विश्वास अब अच्छा आदमी बन चुका है, विश्वास अच्छा जैसा बन चुका है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तीनों ही चाहते हैं विश्वास शर्मा इस कंपनी से निकल जाए, इसलिए लोग आ गए और ये लोग अब मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विश्वास शर्मा का जो भाई था बिट्टू, ये भी आ गया है और अब जैसे देख रहे हैं ये स्टूपिड ब्रॉक लेसनर उसकी टीम को कितना मजा चखा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए गेट आउट ऑफ द रिंग बिच, ये ले बेटा। और ये मिस्टर 3AM ने पकड़ने की कोशिश करी और ये जल्दी जल्दी 1-2-3 कर रहा है, लेकिन नहीं करने दूंगा मैं, ये देखिए अभी भी ये तीनों मार रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिट्टू को हरा दे, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों बिट्टू दुगना है करीब साइज में। और ये देखिए पकड़ा मिस्टर 3AM को, ये उसकी टोनी से मारा जोर से बिट्टू ने, गुस्सा रहे मुझको गुस्सा रहे इन लोगों ने बीच में इंटरफेस किया कैसे, रेलन वर्सेस विश्वास का मैच हो रहा था, बीच में क्यों आए लोग। हाँ वापस आएगा बिट्टू का भाई, मैं विश्वास का भाई, ये ले बेटा शाओमी ये ले। हाँ और तू भी ले, समझ के रखा तुमने विश्वास। हाँ ये देखिए दोस्तों विश्वास का भाई आ गया। दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको कमेंट बॉक्स में कैसा लगा कि विश्वास का भाई बिट्टू आ गया, तो आपको कैसा लग रहा है आप नीचे बता सकते हैं, आप नीचे सजेशन दे सकते हैं। ये देखिए विश्वास का स्पेशल मूव आ गया दोस्तों, ये पकड़ा VPS, विश्वास का पावर, विश्वास का मूव है VPS, वैसे तो ये रॉक बॉटम है लेकिन मैं इसको VPS बोलता हूँ, दूसरा VPS। और ये पकड़ा 1, 2, 3 और जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लेजिंग असिस्टेंस विश्वास की टीम जीत गई और ब्रॉक लेसनर और उसकी स्टूपिड टीम शाओमी मम्मी और मिस्टर 3AM की हार गई। और ये ले बेटा, हाँ विश्वास को परेशान नहीं करना आजकल। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं विश्वास का जो भाई है बिट्टू, वो किसी दूसरे रोस्टर से अमेरिकन रेसलिंग से वापस आ गया है फेडरेशन ऑनलाइन में। आप दोस्तों अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं आप बिट्टू जो कि नया रेसलर है वो विश्वास के साथ आपको कैसा लगा उसके साथ मिलकर। और जैसे कि देख सकते हैं आप दोस्तों विश्वास और बिट्टू पीछे हैं और यहाँ पर मिस्टर 3AM और ये लोग चाहते क्या हैं, ये लोग मुझको मानना चाहते हैं, कहाँ है भाई तुम्हारा साथी, कहाँ है ब्रॉक लेसनर, वो कहाँ मौका मर रहा है। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं बैक स्टेज फाइट हो रही है और ये दोनों बिट्टू को मार रहे हैं पकड़कर, और ये लोग नहीं चाहते कि बिट्टू फेडरेशन ऑनलाइन में रहे, वो लोग चाहते हैं वापस ऑल अमेरिकन रेसलिंग में चला जाए। वो जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर 3AM काफ़ी अच्छा लड़ रहा है अभी, और मिस्टर 3 मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर और शाओमी मम्मी और मिस्टर 3AM ये जितने भी पंटर लोग हैं बेवकूफ़ साले, इन लोगों ने ये लोग हील बन गए हैं ये लोग, जैसे कि देख सकते हैं हम डबल टीम और ये लोग अब हील बन गए हैं और विश्वास और बिट्टू दोनों फेस बन गए हैं और ये दोनों देखिए लगातार मार रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बार बार कह रहा हूँ लिख के बता सकते हैं, आप मुझे अपनी फीडबैक सजेशन दे दीजिए कि विश्वास शर्मा के भाई बिट्टू से मिलकर आपको कैसा लगा, खतरनाक पैरा ड्राइवर। और आपको कैसा लग रहा है कि ये आप इन पर काफ़ी ट्रस्ट करते थे, काफ़ी भरोसा करते थे इनकी टीम पर, अब ये लोग हील बन गए हैं शाओमी मम्मी मिस्टर 3AM और ब्रॉक लेसनर, तो अब आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों जैसे शानदार यहाँ पर कब स्टॉप दिया विश्वास ने, माफ़ करिए बिट्टू ने, पैनकेक पैरा ड्राइवर अच्छा पकड़ा यहाँ पर विश्वास ने थोड़ी मदद करी, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, विश्वास क्यों नहीं कर सकता मदद। और यहाँ पर दोस्तों इनका वो तीसरा इनका बॉस कहाँ चला गया ब्रॉक लेसनर, मुझे ये समझ नहीं आ रही। देखिए कितने जोर से पकड़ा हुआ है इन लोगों ने, विश्वास को भी लोग मार ही रहे हैं लगातार, रिवर्स किया
मुझे लग रहा है कि ब्रॉक लेजर कहीं और ही है और कुछ अलग ही काम कर रहा है। इससे मुझे बच के रहना चाहिए मिस्टर 3M से, और इसका तो सिर फोड़ डालूंगा मैं। यही सर देखिए दोस्तों, बिट्टू इसमें स्पेशल है, द मास्टर ऑफ पैनकेक पैलेट ड्राइवर। देखिए दोस्तों कितना पावरफुल है मिस्टर 3AM। उसकी पावर का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। उसके काले रंग पर मत जाइए, बहुत ही मतलब ख़तरनाक है वो। टू एक तरफ अकेला और एक तरफ ये दोनों भूत। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इन सब में एक बात तो अच्छी हुई कि दोनों भाई भाई एक हो गए, मतलब मिस्टर 3AM और Xiaomi दोनों भाई भाई थे, ये एक हो गए। छोड़ भाई, क्या कर रहा है? अरे क्या हो रहा है ये दोस्तों? ये कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाता है कभी कभी, स्क्रीन क्या पता कैसी हो जाती है। ये क्या हुआ, ग्लिच था या क्या था ये? अगेन पैनकेक पैलेट ड्राइवर, अगेन पैनकेक पैलेट ड्राइवर। पागल कर दूंगा इसको पैलेट ड्राइवर करते करते। कहाँ जा रहा है बिट्टू? तू भी सेंड कर पैनकेक पैलेट ड्राइवर। इस बार इस पर चढ़वा कर करूँगा मैं पैनकेक पैलेट ड्राइवर। दोस्तों देखिए बिट्टू कितना अच्छा लड़ रहा है। दोस्तों बताइए कि आप कैसा लड़ रहा है बिट्टू, कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे। आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो समझ में भी नहीं आता, मुझको फीडबैक भी नहीं मिल पाता कि क्या करना चाहिए मुझको आगे स्टोरी में। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप वो करिए, बताइए, मैं वही करूँगा स्टोरी में। और आप ये लिखना ज़रूर मत भूलिए कि आपको बिट्टू से मिलकर कैसा लगा, बिट्टू वापस आ गया है फेडरेशन ऑनलाइन में। वैसे तो आपको पता ही नहीं होगा बिट्टू कौन है। तो अभी तो बिट्टू हार रहा है बुरी तरीके से। देखिए दोस्तों दोनों भूत बेवकूफ़ साले लगे हुए हैं मारने के लिए। मुझको इतनी ज़ोर से गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर, जब से ये लोग हील बने मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन लोगों पर, बहुत ज़ोर से। हालांकि मेरी गलती थी शुरू में, मैंने इनसे फालतू में पंगा लिया, लेकिन अब ये लोग, मैं जब माफ़ी मांग चुका हूँ, विश्वास जब माफ़ी मांग चुका हूँ इन लोगों से और विश्वास फेस बन चुका, तो क्यों ये लोग फालतू में अपना नाक अड़ा रहे हैं बीच में मेरे करियर के और मेरे फेडरेशन ऑनलाइन के बीच में। ये जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मिस्टर 3AM ने ज़ोरदार तरीके से पकड़ाया और करीब करीब बिट्टू को भुला ही दिया है सबको, वो नॉकआउट होने ही वाला है। और दोस्तों इस तरीके से मिस्टर 3AM और Xiaomi मम्मी जीत गए डेथ हेल्थ विन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना खराब तनावपूर्ण माहौल है फेडरेशन ऑनलाइन के अंदर। बिट्टू का भाई वापस आ गया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कितना ख़राब माहौल है, जैसे कि मैं मैच के एंडिंग में ही बोला था ये लाइन, लेकिन फिर बोल रहा हूँ ये कि दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ख़राब माहौल है फेडरेशन ऑनलाइन में, बहुत ही स्ट्रेस है। विश्वास शर्मा जो कि एक रेसलर है वो फेस बन चुका है, वो अब विलेन नहीं है, वो एक हीरो है, अब वो अब अच्छा रेसलर बनना चाहता है। लेकिन फिर भी जो 6th एपिसोड में जो लड़ाई हुई थी विश्वास शर्मा मिस्टर 3AM साथ में Xiaomi मम्मी और ब्रॉक लेजर के बीच, उस लड़ाई में ब्रॉक लेजर की टीम जीत गई थी और मिस्टर 3AM विश्वास को धोखा देकर और चला गया था ब्रॉक लेजर की टीम में। अब ब्रॉक लेजर, मिस्टर 3AM और Xiaomi मम्मी ये तीनों हैं। और इस मैच में 7th एपिसोड में विश्वास शर्मा और ब्रेलेन दो एक अच्छे रेसलर लड़ रहे थे, बीच में आए ये बेवकूफ़ साले लोग मिस्टर 3AM Xiaomi मम्मी और ब्रॉक लेजर, ये बेवकूफ़ तीनों आ गए बीच में और 6th एपिसोड को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। मतलब 6th एपिसोड में जैसे विश्वास को मारा था वैसे 6th एपिसोड में, इस वैसे 7th एपिसोड में मारने की कोशिश करी, लेकिन बीच मैच में आया विश्वास का भाई बिट्टू और उसने मैच को जिताया और जीत गए मैच
विश्वास और बिट्टू मैच जीत गए, लेकिन बैक स्टेज में क्या पता ब्रॉक लेसनर कहाँ चला गया था, लेकिन बैक स्टेज में बिट्टू की मुलाकात हुई मिस्टर 3AM और शामी मम्मी से और उन दोनों ने विश्वास को एलिमिनेट कर दिया, नॉकआउट कर दिया। तो दोस्तों आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, बिट्टू से मिलकर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं 8th एपिसोड में यानी कि अगले संडे को आपको मिलता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बी ब्लेजिंग डू ब्लेजिंग। और हाँ, मैंने ये स्लोगन पहले बोल दिया, आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, अगर आपको कुछ शेयर करना है, मुझसे बात करना है तो आप मेरे फेसबुक पेज के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं कहूँगा बी ब्लेजिंग डू ब्लेजिंग, कीप वॉचिंग।